हाय फ्रेंड्स, मैं हूं महाफुजर रशीद। मेरा इस यूट्यूब चैनल द महाफुजर होम्योपैथी में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को गाउट की होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी और आप इसको किस तरह से यूज करेंगे उसके बारे में जानकारी दूंगी। पहले हम जान लेते हैं गाउट होने के कारण। अगर हमारे शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उस कारण हमें को गाउट की प्रॉब्लम होती है। दूसरी, अगर हमारी फैमिली में किसी को भी गाउट की प्रॉब्लम रहती है, इस दौरान भी गाउट हो सकती है। अगर हम बहुत ज़्यादा तेल मसाले की चीज़ खाते हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा मीट खाते हैं, उस दौरान भी हमें गाउट की प्रॉब्लम होती है। तो मैं अब बता देता हूँ आपको होम्योपैथिक मेडिसिन और आप इसको किस तरह से यूज करेंगे। तो पहली मेडिसिन है आर्डिकायरोस मदर टिंचर। मैं इसके एक पीछे लेता हूँ, आप अच्छी तरह से देख लीजिए। इस आर्डिकायरोस मदर टिंचर को आपको 10 बूंद आधे कप पानी में मिल लेना है और दिन में 2 बार पीना है, एक बार सुबह एक बार रात को। और दूसरी मेडिसिन है कैल्शियम 30। मैं कैल्शियम 30 के एक पीछा लेता हूँ, आप अच्छी तरह से देख लीजिए। इस कैल्शियम 30 मेडिसिन को आपको सिर्फ सुबह के टाइम 2 बूंद अपनी जीभ में ले लेना है। और तीसरी मेडिसिन है बेंजोइक एसिड, यानी कि एसिड बेंजोइक मेडिसिन को आपको 30 पोनोसिन में लेना है। मैं इसके एक पिक्चर ला देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। इस मेडिसिन को आपको 2 बूंद अपने जीभ में ले लेना है, इसको आपको सिर्फ शाम के टाइम लेना है। तो इस तरह से अगर आप इस 3 मेडिसिन को यूज करेंगे तो आपकी जो गाउट की प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो मैं मेडिसिन का नाम बताता हूँ फिर से। पहली मेडिसिन है आर्डिकायरोस मदर टिंचर, दूसरी मेडिसिन है कैल्शियम 30 और तीसरी मेडिसिन है एसिड बेंजोइक 30। इस तरह से अगर आप इस 3 मेडिसिन को यूज करेंगे तो आपकी गाउट की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मेरा इस वीडियो आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, साथ साथ जरूर कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। मैं वहीं से रिलेटेड वीडियो लाता हूँ तो उसे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।